हेलो फ्रेंड, रेडमी एम आई पोको शोमी। अगर ये फोन आप लोग यूज करते हो, अगर आप अपने फोन में पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक लगाकर भूल गए हो, यदि आपसे गलती से पासवर्ड पिन पैटर्न भूल गए हो, तो इसे कैसे अनलॉक किया जाता है अगर आपको याद ना आए तो। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप ही के लिए वीडियो बना है। यदि आप एम आई रेडमी पोको शोमी का फोन का पासवर्ड भूल जाते हो, तो इसे कैसे किस प्रकार से अनलॉक किया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और नहीं मोबाइल का डाटा डिलीट होगा। आप घर बैठे अपने फोन को मात्र 5 से 10 सेकंड में अपने फोन में लगे हुए लॉक को रिमूव कर सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखना चाहते हो, तो आइए मैं वीडियो को पहले फटाफट स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, कैसे अनलॉक किया जाता है रेडमी एम आई पोको शोमी का कोई भी मॉडल क्यों ना हो आपके पास। तो फ्रेंड, पहले अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपके फोन में पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी लॉक दिखेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने फोन में सिम कार्ड लगाए होंगे, तो प्लीज इसे निकाल लेना। इसे निकालोगे तभी वर्क होगा, नहीं तो ये एयरप्लेन मोड को ओपन कर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद एक बार फोन को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आइएगा, यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिलेगा, इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा। सिंपली इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कोड डायल करना पड़ेगा सर्विस सेंटर का, जिसे हमें एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। तो ये कोड को मैं डायल करता हूँ 09521688905। ये कोड को ध्यान से डायल कर लीजिए अपने फोन में कि कोई भी अंक आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी अंक अगर आपका छूट जाता है, तो आपका फोन अनलॉक नहीं हो पाएगा, फिर आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। प्लीज ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे ये कोड को डायल करने के बाद इसे एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन देख रहे हो, कॉल पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा। आपको यहाँ पे ओके करना है और इस कोड को इरेज करना है। इतना काम करने के बाद यहाँ पे मात्र 5 सेकंड वेट करेगा। इस 5 सेकंड के अंदर ही आपका ये कोड एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज कीजिएगा, *899 और यह हैश। ये कोड को डायल करते ही इंजीनियर मोड का फाइल ओपन होगा। इसके बाद मेनू टेस्ट को ओपन कीजिएगा, सबसे नीचे आइएगा और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आने के बाद ओटीटी को टेस्ट को ओपन कीजिए। यहाँ पे चेकिंग प्लीज वेट, यहाँ पे 20 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका जितना मोबाइल में डाटा होगा, सारा का सारा कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल जो भी है, इसे सेव करने में ये हेल्प करता है। यहाँ पे 20 सेकंड में आपको यहाँ पे रिजल्ट पता चल जाएगा, पास या फेल, ठीक है ना। अगर फेल हो जाए तो दूसरा उपाय भी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस उपाय से देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे फाइल आ गया, यहाँ पे इसे बैक करना है, फिर नीचे आना है, जायस्कोप को ओपन करना है और डाटा डिस्प्ले को ओपन कर दीजिए। और यहाँ पे आपका डाटा डिस्प्ले देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो ये 39 तक एक्टिवेट होगा, ये रेड वाला है आपका फोन अनलॉक करेगा, ये डाटा सेव करेगा। आपका फोन में ग्लिच जितना होगा ब्लू वाला सारा का सारा रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे 39 कंप्लीट हो जाए, बस यहाँ पे आप होम बटन क्लिक कीजिए, आपका रेडमी एम आई पोको शोमी का फोन क्यों ना हो घर बैठे अनलॉक कर सकते हो बिना डाटा डिलीट किए, बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।